ये देखिए व्यूअर्स, ये दुबे का एक बच्चा। ये नस्ल कौन सी है भाई, नस्ल कौन सी है? नस्ल का नहीं पता आपको? अच्छा, थर की नस्ल है। अच्छा, थर की नस्ल है, ठीक है। सिंध की नस्ल हुई ना, रेगिस्तान की थर, ठीक है। अच्छा, ये बताओ यार, ये कितने महीनों में क्या है, क्या उम्र क्या है, उम्र कितनी है, कितने महीनों का है? तकरीबन 6-7 महीनों का ये बता रहे हैं कि ये होगा, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अरे बताओ क्या मांग क्या रहे हो आप इसके? 8,500। अच्छा, 2021 की कुर्बानी में के लिए हो जाएगा तैयार, क्योंकि अभी ये 6-8 महीने का ये बता रहे हैं, तो 2021 की कुर्बानी के लिए हो जाएगा। कोई नंबर होगा आपका, नंबर होगा आपके पास, कोई नंबर बताना अपना, हरा अपना, हाँ हाँ अपना ही बताओ। 0347 0 23 23 0 20 39। नाम क्या है? असद नाम है। और रहते कहाँ भाई आप? हम गुल अहमद। गुल अहमद, ये नहीं, कौन सा इलाका, कौन सा है गुल अहमद? गुल अहमद दाऊद चौरंगी का इलाका। अच्छा, दाऊद चौरंगी, ये कोरंगी में, ये अस्पताल चौरंगी। अच्छा, अस्पताल चौरंगी वगैरह की तरफ रहते हैं। व्यूअर्स, आपने इनका ये दुम्बा देख लिया, अगर आपको ये पसंद हो तो आप असद से बराह रास्त रابطہ कर सकते हैं, और इस वक्त ये लालू अपना यहाँ पे भैंस कॉलोनी की मंडी में खड़े हैं। ये देखिए जी, एक बहुत माशाल्लाह एक बड़ा गुलाबी बकरा नज़र आया है मुझे यहाँ पे भैंस कॉलोनी में, देख लीजिए। अगर मैं इसको दिखा दूँ, इसको सही से कवरेज कर दूँ, काफ़ी माशाल्लाह बड़ा और काफ़ी सेहतमंद बकरा, ये देखिए। अरे ये बकरा देख लें, ये देख लीजिए, झालर झालर देखें इसकी, ये देखिए। ये हमजा कितने दांतों में है? 4 दांत हुआ, 5वें निकाल रहा है। अच्छा, 5वां निकाल रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, इसका सीना दिखाऊं मैं आपको, ये देखें सीना देख लीजिए, और कानों की लेंथ देख लीजिए, ठीक है भाई, वाह ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ मांग क्या रहे हो इसके? 90,000। कोई कमी बेशी हो जाएगी? अच्छा, देख लें जी व्यूअर्स। अच्छा, यहाँ पे ज़रा व्यूअर्स जगह कम है, गाड़ियाँ मुस्तकिल आ रही हैं जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बनाने में वीडियो। ओके, मैं इस तरफ आ जाऊँ। अच्छा हमजा यार, नरा नंबर तो बताओ अपना। 0-3-4-7-7-0-9-1-0-8-8 नाम है हमजा। एक मिनट इस तरफ हो जाओ, मैं ज़रा सामने से इसकी वीडियो बना दूं। ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये देख लीजिए, आपको दिखा दूं ये इसका। बेटा ज़रा थोड़ी सी दूर हो जाओ, मैं ऐसे मेरे हाथ पे तो ना घुसो, देख लीजिए व्यूअर्स, ये इसका फेस, कानों की लेंथ, इसका सीना। ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, अगर आपको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए चाहिए है तो आपने नंबर सुन लिया होगा हमजा का, आप हमजा से बराह रास्त रابطہ कर सकते हैं। ये देख लीजिए पीछे से भी, इसको आप बराह रास्त इनसे रابطہ कर सकते हैं। ये ब्रीडिंग क्वालिटी का बकरा है, 90,000 ये मांग रहे हैं, और कमी बेशी ये कर देंगे कुछ ना कुछ। और हमजा रहता कहाँ? चले गए हमजा। व्यूअर्स ये देखिए, ये थी 2 बकरे, जो सही सही है सही है। देख लीजिए व्यूअर्स, ये बकरे इनके, ये खामोशी इसलिए अख्तियार किया, कोरोना की वजह से। अच्छा जी, अच्छा, कोरोना का दौर ज़्यादा सही है भाई, सही है। अब इसको क्या नाम लेके इनको लगवा के, ताकि इसको कोरोना नहीं लगे। अच्छा यार, ये बताओ इसके दांतों में कितने हैं ये बच्चे? बिल्कुल जवान है। अच्छा, कान तो छोड़ दो उसका, कान तो छोड़ दो, हाँ हाँ कान छोड़ दो, मैं बना लूँ, ठीक है जी। दोनों जवान हैं, तुम भी जवान हो, ठीक है। अच्छी बात है,
अच्छा ये बताओ मांग क्या रहे हो इनके? 25 दोनों के, दोनों के यानी कि जोड़े के 25 मांग रहे हो? अच्छा यार, हर चीज़ का जवाब है भाई तेरे पास यार। इसका सूप बना के पी ले। अच्छा बकरे का, जिंदे का? यार मेरा थोड़ा बकरा। अच्छा तुम्हारा सूप कहाँ निकलेगा यार, तुम्हारा निकलेगा कहाँ सूप ये बता दो। बकरों का सूप बना के ऊपर से बाबा कुछ ज़्यादा ही मूड में लग रहे हो आज मुझे है। बड़े खुश हो आज से? ठीक है भाई। दरगुला यार, अच्छा ये बताओ कि कितने यानी कि कोई कमी बेशी हो जाएगी? क्यों नहीं होगा। अच्छा ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये बकरे इनके करेगा कम से कम 2000 मेरे समझ में आ रहा है। सही है भाई, तुम ही लेके खड़े हो जाओ, तुम उसको क्यों रखा हुआ यार? उसमें शर्त ये है 2000 तब छोड़ेगा जब दोनों को एक साथ लेता हो ना। तो अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, चलो बहुत अच्छी बात है, माल जो कम मिलेगा इसे। सही है। अच्छा कोई नंबर होगा यार दरगुला आपके वहाँ? नहीं है नंबर। अच्छा रहते कहाँ? मुस्तफ़ा मस्जिद। इलाका कौन सा है? अबे यार ऐसा करता हूँ, सारे सवाल तुमसे तय कर लेते हैं कि सही, इसके उसके सारे जवाब तुम दोगे, ठीक है? तय कर लेते हैं, तय कर लो। सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, जवाब मुझे वहाँ से मिल रहा है यार, क्या है ये? अरे ठीक है, जुर्गला नाम है इनका व्यूवर्स, ये इनके बकरे हैं, 25,000 ये मांग रहे हैं, भैंस कॉलोनी में इस वक्त ये खड़े हैं। नंबर इनके पास है नहीं, यहाँ पे कोई मुस्तफ़ा मस्जिद है भैंस कॉलोनी में, यहाँ पे ये रहते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इनके जानवर और अपनी तसल्ली करके, सौदा बनता है तो बनाइए। ये देखिए व्यूवर्स, ये कौन सी नस्ल की ये बकरी है? ये टेडी नस्ल की। टेडी नस्ल की है। अच्छा दांतों में कितनी है भैया? आ जाओ आ जाओ, 6 हो रही है। बच्चे हैं इसके अभी? है वाली। अच्छा दूध वाली है, मैं ज़रा इसका चड्डा खोल के देख सकता हूँ? हाँ वो देख ले, फिर लगाना। अच्छा अच्छा बात छोड़ो, रहने दो, फिर रहने दो, फिर रहने दो, ठीक है जी। देख लीजिए व्यूअर्स, ये 6 दांतों में है, टेडी नस्ल की है। अच्छा मांग क्या रहे हो आप इसके? 25,000। ठीक है, ये गबन तो नहीं है ना अभी? गबन नहीं है अभी। देख लीजिए व्यूअर्स, ये है इनकी ये बकरी। अच्छा ये दूसरी में मैं दिखा देता हूँ, एक ये है इनके पास, ये रही, ये गुलाबी में है, गुलाबी बस। ठीक है आप छोड़ दो। देखिए गुलाबी पासे में है ये, देख लीजिए ये बच्चे समेत है। तो मैं अभी दिखा दूँ आपको इसको, इसका चड्डा भी दिखा दूँ, ये देखिए ये चड्डा इसका, और ये है बकरी। ये दांतों में कितनी है? दांतों में 6 से ऊपर हो रही है। 6 से ऊपर हो चुकी है। अच्छा ये पूरी है तकरीबन, ठीक है। पहले कितनी दफ़ा बच्चे दे चुकी है? अब ये अच्छा तीसरी मरतबा देगी अब, यानी कि चौथी बार देगी, यानी कि 3 बार दे चुकी है, चौथी बार देगी। देख लीजिए व्यूअर्स, और ये इसका मैं आपको बच्चा दिखा दूँ, ये है इसका बच्चा। ये नर है मादा है बच्चा? ये मादा है इसका, ये बच्चा। ये कितने महीने दिन का है ये? तकरीबन 2 महीने का हो चुका है। ठीक है भाई, ज़रा व्यूअर्स जगह यहाँ पर कम है तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए माजरत। ये देख लें, अच्छा मैं इनसे इनका नंबर पूछ देता हूँ। नंबर आपका कुछ अगर बताना चाहें बताइए। 03 03 23 23 33 57 126। नाम क्या है? नौमान अहमद। और आप रहते हैं कहाँ पे? स्टील टाउन में रहते हैं ये। आप इस वक्त भैंस कॉलोनी में खड़े हैं व्यूवर्स, ये इनकी बकरी है एक, ये गुलाबी पासे में, कानों की लेंथ देख लें, उसके साथ जो बच्चा खड़ा है ये इसी का है, और ये भी मादा है, ठीक। और ये आप इसके मांग क्या रहे थे बच्चे समेत? 35,000 बच्चे समेत। अच्छा कमी बेशी हो जाएगी कोई? जी हो जाएगी। अच्छा ये दूध कितना दे दियो कुछ पता है? दूध तो अभी बच्चा भी पला हुआ है। अच्छा अच्छा, आधा लीटर दूध दे देती है, ठीक है, ठीक है जी। 35,000 मांग रहे हैं, कमी बेशी हो जाएगी। और इसके क्या आप मांग रहे हो? 27,000 मांग रहे हैं। अच्छा ये तो सिर्फ दूध के लिए आपने रखी हुई थी, कितना दूध देती है रोज़ का? ये तकरीबन किलो देगी। अच्छा किलो 1 लीटर दे देगी ये व्यूअर्स, देख लीजिए 1 लीटर ये वाली बकरी दूध दे देगी, टेडी नस्ल में है ये, इसके 27,000 मांग रहे हैं। और आपने नाम क्या बताया था?
नौमान अहमद नाम बताया था इन्होंने, नौमान अहमद इनका नाम है। और व्यूवर्स ये यहाँ खड़े हैं इस वक्त भैंस कॉलोनी की मंडी में, और ये इनका ये जानवर हैं। अगर आपको पसंद हो और ये रहते हैं आप भैंस कॉलोनी इनका बताएं, स्टील टाउन में इनकी रहाइश है। अगर आपको इनके जानवर पसंद हो तो आप नौमान साहब से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। और भी हैं? अच्छा तो बताओ ना यार, को कौन कौन सी हैं आपके पास, कौन कौन सी नस्ल की बताओ ज़रा। हाँ बताओ, नस्ल की भी है। अच्छा, नस्ल की भी घर पे तीन बकरियाँ भी खड़ी हैं। अच्छा, वो भी बिकने वाली हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स इनके पास पंजाब नस्ल की भी हैं बकरियाँ, टैडी भी हैं और कामोरी भी हैं, और वो भी बिकने को हैं। अगर आप क्या होता है इंटरेस्टेड हों, अगर आप इंटरेस्टेड हों क्या होता है बकरियाँ वो बच्चों वाली हैं या दूध देने वाली हैं? वो दूध वाली, दूध वाली हैं। अगर आप दूध वाली बकरियाँ लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप नौमान अहमद से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, और आपने नंबर इनका सुन लिया होगा, और ये स्टील टाउन में रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, जजाकल्ला।